बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ 25 जनवरी को नोएडा में करेंगे मेट्रो की एक्वा लाइन का उद्घाटन। टाटा मोरी एक्सप्रेस के दो कोच में यात्रियों से लूटपाट। दिल्ली के पास सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन पर लूटपाट को दिया अंजाम। दिल्ली में घने कोहरे के कारण दिल्ली हवाई अड्डे पर उड़ानों पर लगा ब्रेक। गोपाल राय बोले, पंजाब और दिल्ली में अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी आप। कड़ाके की ठंड ने ठिठुराया, 19 जनवरी तक राहत मिलने की संभावना कम। मनोज तिवारी का बयान, कहा कथनी करनी में अंतर, गरीब मर रहे हैं, दिल्ली सरकार चुप। घुला हवा में जहर, मासूमों का दिमाग कर रहा खोखला, लैब रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। केंद्र सरकार दिल्ली सहारनपुर के बीच कर रही है नया हाईवे तैयार, गणतंत्र दिवस पर होगा शिलान्यास। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर बनेंगे 7 अंडरपास, एक दूसरे शहर जाने का रास्ता होगा आसान। एम्स से रविशंकर प्रसाद को छुट्टी, स्वाइन फ्लू से पीड़ित अमित शाह की सेहत में सुधार। फ्लिपकार्ट पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करने के आदेश, कंपनी सीईओ चेयरपर्सन तीनों पर कसेगा शिकंजा। दूल्हे के साथ खड़ी दुल्हन को भरे मंडप में मारी गोली, सिरफिरे आशिक पर है पुलिस को शक। लोकायुक्त का फरमान, सीएम के केजरीवाल समेत 68 विधायक दे संपत्ति का ब्यूरो, भड़की आम आदमी पार्टी। महज ऊंचाई कम कर एक्वा लाइन ने बचाए 120 करोड़, इस मेट्रो रूट पर बहुत कुछ है खास। भीड़ के सामने ही आराम से एटीएम लूट कर ले गया बदमाश, लोगों ने समझा पैसे डालने आए हैं। दिल्ली के तीनों नगर निगमों पर 1-1 करोड़ का जुर्माना। सीआईडी अधिकारी ने बताया किस तरह बदमाशों ने महिला से ठगे लाखों के गहने। जेएनयू देशद्रोह केस में 6 फोन से मिली वीडियो को चार्जशीट में बनाया सबूत, 3 फोन एबीवीपी वालों के चैनल के वीडियो से की आरोपियों की पहचान। ड्यू में अब 10% परमानेंट पदों पर अनुबंध के आधार पर होगी नियुक्ति। विपक्ष को एक मंच पर लाने की ममता की कोशिशों को राहुल का साथ। दिल्ली एनसीआर मेट्रो बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल नेटवर्क।